लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। और अपने साथ में क्या ले आए? अमृत कलश लेकर आए। सुखदेव जी महाराज समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि अमृत कलश के लिए तो देव और दानवों का भयंकर महासंग्राम हुआ और बिना मांगे ही दे रहे हैं, यहां तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सुखदेव जिसे कहते हैं देवता महाराज, इसको अदला बदली कर लीजिए। क्या करो? राजा को अमृत पिला दो और हमें कथा अमृत दे दो। एवं विनिमय जाते सुधारा क्या प्रपीयता, कृपा श्याम वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृत। सुखदेव जी ने कहा देवताओं, स्वर्ग का जो ये अमृत है इसकी तुलना श्रीमद् भागवत जी से नहीं हो सकती। स्वर्ग में जाकर वहां के अमृत का पान करने के बाद भी क्या होता है? व्यक्ति को गिरना पड़ता है। कैसे गिरना पड़ता है? इसलिए अभक्तास दास विज्ञाय न ददो सकथामृतम्। श्रीमद् भागवते वार्ता सुरारण पितुर्लभा। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथा मृत का दान उनको नहीं दिया। देवताओं ने जाकर क्या किया? ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, शिकायत के महाराज हम सुखदेव जी के पास गए थे,
अमृत कलश लेकर, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें भागवत कथा नहीं सुनाई, हमारा अमृत कलश वापस कर दिया। ब्रह्मा जी भी चकरा गए, ऐसा क्या है भागवत में जो अमृत से भी बढ़कर है। और लघु निन्नानि जातानि गौरवे तदारिषिगणा सर्वे विस्मया परम पलड़ा मंगाया गया तराजू, जितने भी सदग्रंथ हैं एक पलड़े में रखे और ऊपर से अमृत कलश भी रख दिया, एक तरफ श्री भागवत। लेकिन बड़ा विस्मय हुआ, क्या हुआ, जो भागवत जी का पलड़ा है वो नीचे की ओर झुका रहा। अब झुकता कौन है जिसमें वजन ज्यादा हो। और जितने भी समस्त धर्म संस्कारों के जो पलड़े थे वो ऊपर उठ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं ये जो श्रीमद् भागवत है ये कोई किताब नहीं, कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है। कौन है, साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्यो यो प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि, प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है, साक्षात श्री कृष्ण है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए क्या किया, अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया, इसका श्रीमद् भागवत जी। लेकिन ये सप्ताह श्रवण की जो विधि है ये नारद जी ने किससे सुनी, सबसे पहले संत कुमारों से। सप्ताह की जो विधि है उसका श्रवण संत कुमारों के द्वारा नारद जी ने किया। संत कुमार चारों भाई हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सौनकादि ऋषि बोले, हमने तो सुना है कि सनत कुमार जी क्या है, ज्यादा घूमते नहीं है, और नारद जी एक जगह नहीं टिकते हैं। फिर भगवान नारद जी ने संत कुमारों से किस प्रकार से सुनी, क्योंकि भागवत की कथा में यदि मन चंचल हो, मन में कई प्रकार की बातें हो, तो फिर क्या होता है, कथा का आनंद नहीं आता है। और आनंद कब आता है, सबसे पहले बताया था ना कि आनंद अंदर की चीज है। आनंद तब आता है जब हमारा संबंध गोविंद से जुड़ता है। तो कथा का आनंद कब आएगा, जब हमारा संबंध ठाकुर जी के चरणों में जुड़ जाएगा। भागवत जी में कुछ बातें ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे कभी भी कथा कराओ तो ऐसी जगह पे कराओ जैसे यहाँ पर देखो शांति है, कहीं बाजार के बीच में कराओ गाड़ियों की हॉर्न की आवाज आ रही है, कई प्रकार की बाधाएं आती है। तो कथा के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले स्थान सुंदर होना चाहिए। भागवत कथा के बीच बीच में भजन भी होने चाहिए,
भागवत का गायन भी होना चाहिए और कथा भी ध्यान भगवान के चरणों में होना चाहिए और भागवत में आपके कान कहाँ होने चाहिए, कथा की ओर ही होनी चाहिए। कथा के अलावा कोई दूसरी बात कानों में घुसे ही नहीं। कान एकदम भागवत जिसे जुड़ जाए तो ही भागवत कथा श्रवण का फल प्राप्त होता है। अब सनत कुमार कैसे संत है, जो एक ही जगह टिक जाते हैं, और नारद जी एक जगह ठहरते नहीं और एक जगह बैठकर 7 दिन तक भागवत कैसे सुन ली। सूत जी कहते हैं एक बार क्या हुआ, देव ऋषि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे तो बद्रीनाथ में विराजमान चारों भाई श्री संत कुमार जी, चारों भाइयों ने क्या हुआ नारद जी को देखा, और जैसे ही नारद जी को देखा तो नारद जी से पूछा कथम ब्रह्मदीन मुखा कुतश्चिन्ता तुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव कथं ब्रह्मदीन मुख कुतश्चिन्ता तुरो भवान। हे नारद जी क्या बात है, आप बड़े उदास लग रहे हो। अरे हमने तो सुना है कि कोई कितना भी निराश हो गया हो लेकिन जैसे ही उसको नारद जी के दर्शन हो जाए तो वो मुस्कुराने लगता है और आप जैसे संत आज स्वयं दुखी है। नारद जी ने सनत कुमार के चरणों में गिर कर रोते हुए कहा क्या कहूं महाराज, हे महाराज क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञातो सर्वो तमामिते पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। अहम तो पृथ्वी ज्ञातो, मैं पृथ्वी पर आया क्या समझकर, सर्वश्रेष्ठ समझकर मैं इस पृथ्वी पर आया और यहाँ हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, गया सेतु बंद रामेश्वर में गया, पर सत्य कहता हूँ संत कुमार जी मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। क्या हुआ, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। ना पश्यं कुत्रचित् चरमं मनसंतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरे अम्बादिता धुना। न कोई सत्य बोलता है,
ऐसे लोगों की बुद्धि को क्या किया, कलयुग ने बिगाड़ दिया। दिन भर में एक बार अगर कोई सत्य बोल जाए तो ये समझता है हरिश्चंद्र जी के बाद आज दूसरा नंबर इसी का है, कई बार गिनवाएगा। अगर अच्छा काम हो गया तो मैंने किया, और अगर गलती हो गई तो प्रभु इच्छा, भगवान पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार से कलयुग में मनुष्य की स्थिति है। इस कलयुग में बुजुर्गों से कोई सलाह नहीं लेता, क्या करता है, बुजुर्गों से सलाह नहीं लेता। सलाह के लिए कौन है, सलाह के लिए साले जी आते हैं। श्रीधाम वृंदावन में एक कहावत है, दीवार बिगारे आरो और काम बिगारे सालो। घर में जितनी अलमारियां होगी वो मकान जो है कच्चा हो जाता है, जितने ज्यादा जो है उसमें दरवाजे निकालोगे। और साले की सलाह ली तो गए, माता पिता की सबसे पहले सलाह लेनी चाहिए। घर में जो बुजुर्ग माता पिता है उनकी सलाह लेनी चाहिए, बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए। नारद जी कहते हैं महाराज संतों के आश्रम में गया फिर भी शांत नहीं मिली, क्यों, संत भी कलयुग में कैसे हो गए। बोला इतना हल्ला गुल्ला हो रहा क्या बात है, यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा, कहाँ से आ रही है आवाज। बोला मौनी बाबा के आश्रम से आ रही है। मौनी बाबा का मतलब होता है जो शांत रहे, लेकिन कलयुग में क्या हो गया, विपरीत चीजें हो रही है। बोला ये गली में बच्चे किसके लड़ रहे हैं। बोला ब्रह्मचारी जी के हैं। तो कलयुग में कुल मिलाकर स्थितियां विपरीत हो रही हैं। नारद जी कहते हैं लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन में आया वहां बड़ा एक कौतुक मैंने देखा। एक युवती के पास दो पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, और वो जो स्त्री थी वो चारों तरफ देख रही थी। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, कौन बोल रहा है, नारद जी कह रहे हैं कि जब मैं श्रीधाम वृंदावन से गुजर रहा था तो उस युवती की नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे आवाज दी। क्या आवाज दी, भो भो साधो क्षण तिष्ठा मचिंतामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परां, सर्वथा गहनं परां। महाराज कहां दौड़ रहे हो, रुको तो सही, हो भो साधो क्षण तिष्ठा, थोड़ा रुक जाइए रुक जाइए। आप बड़े संत मालूम होते हैं और संतों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, इस प्रकार से उस युवती ने नारद जी से कहा। क्या कहा, आप संत नजर आते हैं मुझे, और संतों के जो दर्शन है वो जीव के तीनों प्रकार के जो
संताप है उनको नष्ट कर देता है। आज तो मेरे जन्म के भाग्योदय हो गए, आपके दर्शन हो गए। नारद जी कहते हैं, जैसे ही उस देवी के पास पहुंचा, मैंने उससे पूछा, हे देवी आप कौन हैं? ये जो दोनों बुजुर्ग हैं मूर्छित अवस्था में, ये कौन है? तुम्हारे ये क्या लगते हैं और तुम इस प्रकार से क्यों रो रही हो? मुझसे क्या करो? वद देवी सविस्तार स्वस्य दुःखस्य कारणं। तुम्हारे दुख का जो कारण है विस्तार पूर्वक बताइए। और जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई तो उसने अपना पूरा परिचय दिया। नारद जी सनत कुमारों से कह रहे हैं कि जब इस प्रकार से मैंने सहानुभूति दिखाई तो उस देवी ने अपना परिचय विस्तार पूर्वक दिया और कहा कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मे तनयो मतो। ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। महाराज मैं कौन हूँ? अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। और जो दोनों मेरे सामने ये बुजुर्ग हैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन महाराज समय की विडंबना को देखिए कि माँ आज नव युवती बनी बैठी है और बच्चे क्या हो गए? बुजुर्ग। महाराज कलयुग के प्रभाव से इनका ये हाल हुआ है। लेकिन आप जैसे संत आ गए तो मेरा कल्याण जरूर। नारद जी कहते हैं, संत कुमारों मैंने उन दोनों के उत्थान के लिए बड़े बड़े प्रयास किए, वेदादि का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, कोई असर नहीं हुआ। फिर आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो उसके लिए सत्कर्म करो। और अब मैं आप लोगों की शरण में आया हूं, अब मुझे क्या करो? रास्ता दिखाओ। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे होगा ऐसा कोई मुझे रास्ता बता दो जिससे उनका बुढ़ापा दूर हो जाए। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमग भागवतालापा सतु गीता सुखादिवे। सनत कुमारों ने कहा, देखो नारद, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को अगर दूर करना चाहते हो तो वो साधन क्या है? वो साधन है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन। नारद जी ने कहा, लेकिन मैंने तो
वेद वेदांतों का पाठ किया है, इससे भी असर नहीं हुआ। अब केवल भागवत से क्या होगा? सनत कुमारों ने कहा, हे नारद, वेद वृक्ष है। क्या है? वृक्ष है। और भागवत क्या है? उस वृक्ष के, क्या है उस वृक्ष का? पका हुआ फल है। और फल भी कैसा? अमृतमय। हम क्या खाते? पेड़ तो नहीं खाते। वेद वेदांत क्या है? वृक्ष है। और फल क्या है? श्रीमद् भागवत। तो फलों का ही सेवन किया जाता है, इसलिए। और ये फल भी कैसा है? अमृतमय। अमृतमयी फल है। और स्वाद लेने के लिए क्या किया जाता है? फल का ही सेवन किया जाता है। कई प्रकार के दृष्टांत शनकादिकों ने नारद जी की शंका को दूर करने के लिए दे। अंत में नारद जी समझ गए, हाथ जोड़कर बोले, महाराज, पढ़ लिख कर कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, पर जब तक उसे सत्संग नहीं मिलता, तब तक क्या है? उसका ज्ञान बेकार है। क्योंकि सत्संग से क्या होता है? विवेक का होता है। और जब तक विवेक का सूर्य उदय ना हो, तब तक मन का अंधकार नहीं मिटता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ओ बिनु सत्संग विवेक न होए। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।